भी ये नहीं गई थी, देख सकते हैं गाइस गई स्पाइडर नेट में फंस चुकी है सर। फाइनली अंदर से बाहर आ चुके हैं और इतना 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 ज्यादा एंजॉय किए लाइफ स्टाइल में, लेके जाने के लिए इसको लेके भी गए, बट वहाँ पे कुछ भी पसंद नहीं आया, पता नहीं क्यों नहीं आया, है अच्छा नहीं था। सो हे गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्पिनोस, कैसे हैं आप सब, मैं भी अच्छा हूं। तो गाइस आज की न्यूज़ है गाइस कि आप ये देख सकते हैं ये ब्लॉग स्टार्ट हो रहा सीधा हाईवे से, और मेरे साथ है गाइस आज श्वेता और रितु है। तो कहाँ जा रहे हैं हम लोग? तो गाइस आज हम लोग जा रहे हैं पटना। तो आप भी सोच रहे होंगे कि रितु कैसे आ गई, मतलब कि फिर से ब्लॉग में। तो आप लोगों को जैसे कि मैं बताया था कि उस दिन श्वेता के साथ हम और रितु मिल प्रैंक किए थे, तो गाइस उसके बाद फिर रितु का दोस्ती हो गया श्वेता से, तो हम लोग को डिसाइड किए थे पटना जाने के लिए। ऐसे हम लोग को बहुत दिन से प्लान बन रहा था बट जा नहीं पा रहे थे हम और श्वेता अकेले के चलते। तो आज हम और रितु और श्वेता तीनों निकल चुके हैं पटना के लिए और वहाँ जा रहे हैं गाइस, कोई जगह एक है एक्सप्लोर करने के लिए, आप लोग को भी दिखाएंगे, मस्त जगह है गाइस। मैं देखा हूँ ब्लॉग वगैरह वीडियो वगैरह में देखा हूँ, और ऐसा गया में तो हमारा नहीं है, पटना में भी खुला है, तो वो भी बिहार का मतलब पहले ही हो सकता है क्योंकि ऐसे ये सब बाहर में ही रहता है मतलब दिल्ली वगैरह में। तो चलेंगे वहाँ पे भी मस्त इंजॉय वगैरह करेंगे। ऐसे हम लोग को पहले था एडवेंचरस जगह एक था वहाँ पे गाइस, थोड़ा सा हाजीपुर वाला जो ब्रिज है वो वाला क्रॉस करके, तो हम लोग वहाँ जाने वाले थे बट वहाँ का प्लान कैंसिल कर दिए क्योंकि वो थोड़ा दूर हो जाता और टाइम भी ज्यादा लग जाता। और अभी का टाइम देख सकते हैं 9:26 हो चुका है और हम लोग का प्लानिंग था गाइस घर से निकलने का 7 बजे ही, बट हम लोग को लेट हो गया था, 8:30 बजे तक हम लोग निकल गए थे और 1 घंटा हो चुका। अभी हम लोग बेला वगैरह सब कुछ क्रॉस कर चुके हैं और मस्त ये हाईवे पे है और हाईवे से मस्त भगाते हुए चलेंगे पटना और वहाँ पर चलते हैं। पहले रास्ता में पहले कहीं रुकेंगे खाने के लिए, उसके बाद फिर निकलेंगे वहाँ से। गाइस जैसे कि गैस चले थे और अभी हम लोग रुके थे नजमा में जहाँ पे रुकते खाने के लिए, बाकी अभी यहाँ पे लग गया था श्वेता को कस के भूख। कितना लिट्टी खाना तुमको? दो हो जाएगा, अभी तो बोली 8 मार देंगे। तो गाइस हम लोग अभी आता है यहाँ पे लिट्टी तो फिर खाते हैं फिर निकलते हैं, ज्यादा डिस्टेंस अब बचा हुआ नहीं, थोड़ा सा और है। तो मस्त हम लोग उधर से भगाते हुए आ गए थे और बोले थे जैसे रास्ता में रुके हैं कुछ खाने के लिए, नाश्ता वगैरह करके नहीं निकले थे, तो अभी खाते हैं। फाइनली यहाँ से हम लोग हो चुका है खाना पीना और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं और ज्यादा दूर अब पटना है भी नहीं, और कौन बोलता था गाइस पटना 100 किलोमीटर पड़ता है, देख सकते हैं 82 किलोमीटर गाड़ी अभी तक मेरा चल चुका है और अभी भी यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर पटना और मतलब 120 पड़ जाता है अब, और पहले लोग बोलते थे कि 100 किलोमीटर पड़ता है पटना, ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस। तो अब यहाँ से निकल चुके हैं, मस्त यहाँ से चलते हैं और पटना में जहाँ पे जाते हैं वहाँ पर देखते हैं लोकेशन कहाँ पे, वहाँ पे पार्किंग वगैरह है कि नहीं है, क्योंकि हम लोग को काफी लेट भी हो चुका है, अभी का टाइम हो चुका है गाइस देख सकते हैं 11:09 हो रहा है, तो हम लोग जल्दी जल्दी वहाँ पे पहुँचना है क्योंकि जल्दी से पहुँचेंगे तो ज्यादा हम लोग को टाइम मिलेगा इंजॉय वगैरह वहाँ पे करने का, बाकी चलते हैं मस्त वहाँ पे पहुँचते हैं फिर। तो गाइस हम लोग पटना इन हो चुके थे और देख सकते हैं हम लोग को जहाँ पे जाना है उसका मैप हम लोग खोल लिए हैं और 11 किलोमीटर और बचा हुआ और हम लोग अभी चलते हैं और टाइम दिखा रहा है गाइस 22 मिनट। तो पटना का ट्रैफिक तो आप लोग जैसे कि जानते हैं, मैं पहले भी अपने ब्लॉग में दिखा चुका हूँ कितना ज्यादा रहता है, पीछे में हम लोग को थोड़ा सा ट्रैफिक मिल गया था इसलिए हम लोग को लेट हो गया, बाकी मस्त चलते हैं गाइस 11 किलोमीटर और बचा हुआ उसको डिस्टेंस को कवर करते हैं और वहाँ पहुँच के मस्त इंजॉय करते हैं गाइस। वीडियो में बने रही बहुत मजा आने वाला और कहाँ जा रहे हैं सब कुछ आपको पता चलेगा, आप लोग के लिए सरप्राइज था इसलिए मैं पहले नहीं बताया था। तो चलता हूँ फटाफट वहाँ पे, बस फाइनली हम लोग डेस्टिनेशन पे पहुँच चुके थे, देख सकते हैं गेट क्रेजी टेम्पल लर्निंग पार्क हम लोग आना था गाइस, और बहुत दिन से बोल रही थी ना तुम आने के लिए। हाँ, कितना दिन से? बहुत दिन से बोल रही थी गाइस, और मैं भी सोचा था जाने के लिए क्योंकि ये अंदर क्या है नया वो मैं अंदर जाकर दिखाता हूँ, बाकी हम लोग टिकट वगैरह ले लिया हूँ, ये रहा रिबन जो हम लोग को हैंड में लगेगा, बाकी ये रहा सॉक्स, हाँ लेके चल जाना घर वैसे भी सॉक्स के गाइस हम लोग पेमेंट किए तो ये लेके चल जाना हम लोग घर, वैसे अंदर चलते हैं ये सब सारा कुछ करवा लेते हैं उसका मस्त गाइस, अंदर बहुत सारा एक्टिविटीज वगैरह है तो करते हैं मस्त, बने रही ब्लॉग पे दिखाते हैं गाइस कितना मजा आने वाला है अंदर जाने के बाद। तो देख सकते हैं श्वेता तो बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड है और अंदर एंट्री ले रही है और अंदर आने के बाद देख सकते हैं इसको। हम लोग अपना सॉक्स पहन चुके हैं और देख सकते हैं सारे लोग आ चुके हैं अपने जगह पे जहाँ पे हम लोग का गेमिंग था सारा एक्टिविटीज वगैरह इधर ही, और श्वेता को देख सकते हैं आने के बाद कितना ज्यादा एंजॉय कर रही है, मतलब पूरा भाग दौड़ मचाई हुई है लो, और मेरे को सारे लोग फोन रखने के लिए दे दिए, मतलब मैं इंजॉय नहीं कर पाऊंगा गाइस ब्लॉग के चक्कर में, इन लोग सारे लोग इंजॉय कर रहे हैं दोनों को ही देख सकते हैं, जो करना है जो करो, तुम लोग कूद जाओ उधर उधर से निकल के दिखाओ जाके देख सकते हैं पूरा बच्चा बन चुके हैं यहाँ आने के बाद, और बहुत दिन से बोल रही थी मेरे को आने के लिए आने गाइस, श्वेता को देख सकते हैं रॉक क्लाइंबिंग करने के लिए और मस्त चढ़ चुकी है आधा ज्यादा ऊपर, चलो 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 और चलो ऊपर चलो चलो गिर जाना ऊपर चढ़ के, मस्त बनाया हुआ है गाइस यहाँ पे आने के बाद इतना ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं हम लोग, क्या पता इतना ज्यादा सोच के भी नहीं आया था क्या ये लोग होते तो बच्चा वाला भी नहीं छोड़ रही, सब कुछ को पूरा कर रही है देख सकते हैं पूरा उछल रही है, चलो और भी सारा एक्टिविटीज कर रहे हैं, मेरे को गर्मी लग रहा था तो मैं आ गया था जैकेट खोलने के लिए और जैकेट खोल के आ गया, और देख सकते हैं गाइस श्वेता यहाँ क्या कर रही है कर, वाह 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 इसको पार करना है अभी आई गाइस ये वाला से करके, देख सकते हैं यहाँ पे आगे बैठी और भैया को बोरी मशीन को ऑन करने के लिए,
और पता नहीं इस पे क्या होने वाला है। अभी इन लोगों को घुमाया जाएगा, दोनों को बैठा के बैठ जाओ स्पीड कर दीजिए। कितना स्पीड जाता लास्ट ये और बैठोगी और बैठोगी और बैठोगी मतलब इतना ज्यादा यहाँ पे एंजॉय हो रहा है कि क्या बताएं। भाग रहा बच्चा के जैसा डालो ये कभी नहीं जाएगा भाई सर। ये कौन सा जंगल है? गाइस यहाँ पर आए स्पाइडर नेट और देख सकते हैं स्पाइडर मैन बनी हुई। जल्दी जाओ नीचे, और ये डर रही है जाने से और इसको हाथ छुड़वाना पड़ेगा गाइस, क्योंकि इससे पहले बार भी ये नहीं गई थी। देख सकते हैं गाइस गई स्पाइडर नेट में फंस चुकी है श्वेता। अरे आप पहुंची नीचे फाइनली मिल भी नहीं रही हो कहाँ? अच्छा यहाँ देख सकते हैं गाइस श्वेता कितना ज्यादा एंजॉय कर रही है, मतलब पूरा मस्ती हो रहा है ना पूरा तुम्हारा। कितना एंजॉय की पूरा पैसा तुम ही बस लिए। देख सकते हो दोनों टकरा के यहाँ पे गिरी हुई है। रोलर पे हम लोग आए और श्वेता को गिराने का प्लानिंग कर रहा है, अभी देखते हैं श्वेता गिरती है या नहीं। उससे भी हेवी सर गिरी है। तो गाइस हम लोग फाइनली अंदर से बाहर आ चुके हैं और इतना 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 ज़्यादा इन्जॉय किए गाइस, इतना ज़्यादा इन्जॉय किए कि पूछिए मत। आप लोग भी अगर आना चाहे तो आ सकते हैं। अच्छा तुम इसका प्रमोशन कर रही हो? नहीं। तो गाइस श्वेता प्रमोशन भी करने लगे, देख सकते हैं गाइस हम लोग इतना ज़्यादा मतलब अंदर मस्ती किया है कि पूरा पसीना अभी तक चल रहा है और मैं तो जैकेट भी खोल चुका हूँ क्योंकि अंदर में इनर पेन का आया था तो इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा था। बाकी इन लोग भी दोनों पूरा मजा किए हैं, सबसे ज़्यादा श्वेता अगर दोनों लड़की में से गाइस अगर बताएं तो सबसे ज़्यादा श्वेता पैसा यहाँ का वसूल की है क्योंकि पूरा पैसा वसूल लिए सब बहुत दिन से। और रितु भी कर रही थी लेकिन इतना भी कम कर रही थी, लाइव ज़्यादा आई हुई थी। बाकी गाइस मैं भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर इन्जॉय किया, देख सकते हैं यहाँ पर गेट क्रेज ट्रेम्पोलिन पार्क जहाँ पर हम आए हुए थे। बाकी अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे गाइस और यहाँ से हम लोग सोच रहे जाने के लिए सिटी सेंटर मॉल, जो श्वेता कभी नहीं घूमी। रितु तुम घूमी हो? रितु भी नहीं घूमी और श्वेता भी नहीं घूमी हो। श्वेता भी फर्स्ट टाइम पटना रही, रितु भी फर्स्ट टाइम पटना रही। मैं तो गाइस बहुत बार आ चुका हूँ पटना, बट सिटी सेंटर मॉल इस बार अगर मैं जाऊँगा तो तीन बार मेरा हो जाएगा। तो अभी हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा रेस्ट करके पानी वगैरह पी के यहाँ से निकलते हैं, तो चलते हैं सीधा मॉल गाइस। यहाँ से गाइस हम लोग अंदर से निकल के आ चुके हैं कार में और हम लोग जैसे कि बताया कि जाएंगे मॉल और हम लोग मॉल निकल चुके गाइस। और वहाँ पे कैसे टाइम बीत गया गाइस कुछ भी नहीं पता चला, इतना ज़्यादा मस्ती मजाक हुआ कि एक घंटा हम लोग कब बीत गया पता भी नहीं चला। ज़्यादा मैं वीडियो वगैरह भी नहीं बना पाया क्योंकि अंदर में गाइस सॉन्ग बज रहा था, तो जितना मैं बनाया था गाइस मैं डाल चुका हूँ। बाकी गाइस बहुत वहाँ पे एंजॉय किया हम लोग और श्वेता लोग भी बहुत ज़्यादा एंजॉय की वहाँ पे, रितु भी बहुत ज़्यादा एंजॉय की, सारे लोग वहाँ पे बहुत ज़्यादा एंजॉय की गाइस। जितना हम लोग सोच के आए थे उससे भी ज़्यादा एंजॉय हुआ है यहाँ पे। और हम लोग गाइस पर हेड करके पड़ा था 590 रुपीज़ करके और 80 रुपीज़ करके गाइस सॉक्स का पड़ा था जो दिखाया था मैं ऑरेंज कलर का था। और हम लोग निकल गए और इतना ज़्यादा गर्मी लग रहा था गाइस अंदर से आने के बाद कि अभी हम लोग देख सकते हैं एसी चला के बैठे हुए हैं क्योंकि गर्मी लग रहा है। ऑलरेडी दो दिन तीन दिन से उधर इतना ठंड बढ़ा हुआ था कि क्या बताऊँ। और इधर जाके गाइस देख सकते हैं आज धूप किया हुआ है पटना में क्या मस्त। तो हम लोग को अच्छा है कि आज हम लोग आए हुए थे, मौसम भी सही हो चुका है तो सही है, घूमेंगे मस्त। अभी चलते हैं मॉल गाइस और मॉल भी घुमाते हैं श्वेता को, उसके बाद फिर इससे पूछेंगे कि इसको पटना घूम के कैसा लगा। अभी तक कितना तुमको मजा आया? बहुत ज्यादा। तो अभी तक गाइस इसको बहुत ज्यादा मजा आ चुका है। तो अभी पटना अभी मॉल तो घूमना बाकी है, सिटी सेंटर मॉल ये घूम ही नहीं है। मैं तो कोलकाता वाला भी घूम चुका हूँ और पटना वाला दो बार घूम चुका है, तीसरा बार जा रहा हूँ अभी। तो चलता हूँ मॉल पहुँच के मिलता हूँ गाइस। फाइनली हम लोग मॉल में आ चुके हैं और रोहित गया कार पार्किंग करने, तो देख सकते हैं रितु को और अभी रोहित आता है तो हम लोग साथ में घूमते हैं। गाइस फाइनली कार पार्किंग करके मॉल के अंदर आ चुके हैं और अभी गाइस मैं अंदर आया हूँ तो श्वेता मेरे को एक चीज दिखा रही है और बोरी हमको वहाँ लेके चलने के लिए। देख सकते हैं गाइस सामने यहाँ पर लाइफ स्टाइल है तो यहाँ पे बोरी हमको लेके चलो बोल तो रही है बहुत सारा ब्रांड का नाम मतलब कि लेके जाने के लिए अंदर शॉपिंग कराने के लिए, बट इसको शॉपिंग वगैरह नहीं करवाने वाला है। लाइफ स्टाइल में जाते हैं अगर इसको कुछ लेना हो तो थोड़ा बहुत इसको दिलवा देंगे। बाकी चलते हैं क्योंकि इतना सारा ऑलरेडी ये कपड़ा रखी हुई है फिर भी मेरे को तंग करते रहती है, तो चलते हैं पहले लाइफ स्टाइल में इसको कुछ दिलवाते हैं। वैसे लोग तुम्हारा थोड़ा बहुत मतलब है कि गाइस समझ सकते हैं लड़की का थोड़ा बहुत थोड़ा बोलती है और बहुत लेती है तो समझ सकते हैं। तो अभी पहले चलते हैं इसको अंदर लेके क्या लेती है नहीं लेती है। ये लाइफ स्टाइल में बोली लेके जाने के लिए इसको लेके भी गए बट वहाँ पे कुछ भी इसको पसंद नहीं आया, पता नहीं क्यों नहीं आया। कहा है अच्छा नहीं था।
तो गाइस मेन बात है कि कपड़ा इसके पास ऑलरेडी जैसे कि मैं बताया पहले से ही रखी हुई है, तो ये क्या ही खरीदेगी, इसलिए नहीं वहाँ पे कुछ ली जानबूझ के, गाइस सोची कि मेरा पैसा लग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे इसको घुमा दिए, बाकी अभी काफी और घूमोगी, बस एक जगह और जाना है। कहाँ? गुरुद्वारा। गुरुद्वारा में शाम में थोड़ी जा पाओगी, अब उसके लिए कभी और आ पाएंगे। तो अब यहाँ से गुरुद्वारा भी बोल रही है गाइस जाने के लिए, बट वो तो जा नहीं पाएंगे। और अभी हम लोग आ गए हैं फोर्थ फ्लोर पर, जहाँ पे ये है गाइस वाटरफॉल टाइप का मस्त बनाया हुआ है। तो कैसा लगा तुमको ये मॉल? बहुत अच्छा। कितना अच्छा? बहुत अच्छा, मजा आया आज पटना घूम के। तो गाइस ये चीज़ तो इससे लास्ट में पूछेंगे, बाकी भी चलते हैं थोड़ा फूडिंग एरिया में कुछ खाते हैं यहाँ पे बैठ के, उसके बाद फिर यहाँ से निकलेंगे। तो गाइस हम लोग ऑर्डर किए थे पिज्जा, तो रोहित भैया भी लाने, उसको बहुत तेज भूख भी लगा हुआ था गाइस बहुत देर से, तो अभी आता है वो सभी खाते। फाइनली रोहित आ गया पिज्जा लेके। तो गाइस अभी ऑर्डर किए थे, पिज्जा आ चुका है और मैं लेके भी आ गया, और श्वेता का भी मन था खाने का पिज्जा, तो मैं सोचा मंगा देता हूँ, तो अभी लेके आ गया हूँ। और देख सकते हैं इतना इसको कस के भूख लगा होगा, कितना जल्दी जल्दी खाने लगी, अपना बाइट खत्म भी कर दिया। और कुछ खाना है? बस खा के पेट भर जाएगा। चलो अभी रास्ता में फिर खाएंगे, तो अभी खाते हैं गाइस यहाँ से और फिर निकलते हैं। पहले हम लोग मॉल वगैरह घूम लिए और रेटू जाके गाइस कार में बैठ चुके हैं, देख सकते गेट खोल के बैठ चुके हैं वो अंदर जाके, और अभी वो थक चुके हैं घूम के, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत सारे हम लोग एक्टिविटीज़ वगैरह किए थे गाइस इसलिए। और हम लोग फिर आए थे वहाँ से मॉल डायरेक्ट, और मॉल में आए गाइस घूमे, श्वेता को शॉपिंग करना था बट नहीं कराए, इसके लिए तो बुरा नहीं मानना, क्योंकि गाइस वक्त पास ऑलरेडी कपड़ा वगैरह है, इसलिए मैं सोचा तो ठंड जाने वाला तो क्या ही दिलाऊँ। तो बाकी गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं गाइस घर निकलेंगे यहाँ से, तो अभी तुमको कैसा लगा पटना? तुम बताओ। बहुत अच्छा लगा गाइस। कितना अच्छा, मतलब इतना अच्छा। जहाँ तुमको आना था वहाँ मन लगा कि नहीं? हाँ तो गाइस जहाँ पे हम लोग गए थे पहले, उससे पहले मतलब जहाँ पे एक्टिविटीज वगैरह किए थे उसका तो मैं नाम भी बार बार भूल जा रहा हूँ, तो बहुत मस्त पार्क था गाइस वो वाला, तो वहाँ पे हम लोग गए मस्त इंजॉय वगैरह किए। और अभी वहाँ से हम लोग मॉल आए, मॉल में थोड़ा वो खाए पिए, उसके बाद अभी लोग रास्ता में खा लेंगे क्योंकि उस टाइम ही खाए हुए, तो उसके बाद फिर अभी खाए पिज्जा वगैरह। घूमने के चक्कर में गाइस उतना ज़्यादा ब्लॉगिंग वगैरह भी नहीं कर पाया क्योंकि श्वेता को गाइस घुमा लेकर आया था, तो इसको ही थोड़ा टाइम वगैरह दे दिया। यहाँ पे गाइस तीन लोग हम लोग आए थे घूम लिए मस्त, और अब हम यहाँ से निकल रहे घर। तो इस वीडियो को गाइस सोच रहा हूँ ज़्यादा लंबा नहीं करता हूँ, ऐसे भी उतना लंबा ही वीडियो हो नहीं पाया, तो वीडियो अगर अच्छा लगा होगा इसको क्या करना है? बोलो सही से, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पहले बोली थी गाइस ये वीडियो को सब्सक्राइब करें, तो कोई नहीं गाइस होता है मिस्टेक, हम लोग से भी होता है। तो गाइस वीडियो को एक एंड करते हैं, ब्लॉग अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जल्दी से बताइए करना, तो कर दीजिएगा। बाकी मिलते गाइस बहुत जल्द नेक्स्ट ब्लॉग में। थोड़ा पापी मगाली देता काफी, पर जिंदगी में बढ़ने के लिए कभी ना चाटी तीन बटन से भार।